अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ शमा ज़ैनब ख़ान। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रूट कस्टर्ड बनाने की रेसिपी। आज हम इस ईद के मौके पर फ्रूट कस्टर्ड बनाएंगे। फ्रूट कस्टर्ड ये ईद के दिन सभी के घर में बनता है और ये बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आता है। तो चलिए जल्दी से फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए देखते हैं। फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए हम लेंगे दूध, दूध हम लेंगे 2 लीटर, ये अमूल दूध लेंगे हम। चीनी और खोवा को अच्छे से मिक्स करके रख लेंगे। चीनी और खोवा आप अपने मुताबिक ऐड कर लें, अगर आप मीठा ज्यादा पसंद करते हैं तो और ऐड कर सकते हैं। और हम लेंगे कंडेंस मिल्क, कंडेंस मिल्क ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं। अगर आप कंडेंस मिल्क ऐड कर रहे हैं तो चीनी की क्वांटिटी थोड़ी कम कर लें। वेनिला फ्लेवर का हम कस्टर्ड पाउडर लेंगे, ये लेंगे हम 4 टेबल स्पून। इसके अंदर हम दूध ऐड करके अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना बने। अब हम एक हैवी बॉटम पैन लेंगे, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अमूल का ताज़ा दूध। अगर आपको अमूल का दूध ना मिले तो आप दूसरा दूध जो भी आपके यहाँ पर मिलता हो उससे भी आप इसको बना सकते हैं। अब हम दूध के अंदर एक उबाल आने तक पकने देंगे। इसके अंदर से ही थोड़ा सा दूध ऐड करके इस पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना बने। आप देख सकते हैं दूध के ऊपर मलाई अच्छे से आ चुकी है और ये अच्छे से पक भी रहा है। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे खोवा और चीनी जिसको हमने मिक्स करके रखा हुआ था। मैंने पहले भी आपसे फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी शेयर की है, अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दें, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। खोवा और चीनी ऐड करके एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर से हम इसको पकने देंगे 3 से 4 मिनट तक, यानी एक उबाल आने तक हम इसको पकने देंगे। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पाउडर कस्टर्ड जो हमने मिक्स करके रखा हुआ था दूध में, इसको ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कस्टर्ड पाउडर ऐड करने के बाद हम इसको 3 से 4 मिनट तक पकने देंगे। ऐड कर देंगे अब हम कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क ऐड करने के बाद कस्टर्ड हमारा और भी ज़्यादा क्रीमी और टेस्टी बन जाता है। अगर आप कंडेंस मिल्क ऐड करना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, इसके बिना भी आप बना सकते हैं। कंडेंस मिल्क ऐड करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करके फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। कस्टर्ड को हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। कस्टर्ड हमारा अच्छे से अब ठंडा हो चुका है, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे फ्रूट्स जो हमने कट करके रखे हुए थे। फ्रूट्स में हम लेंगे एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, पाइनएप्पल, चीकू, पोमोग्रेनेट। अगर आप और फ्रूट्स ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर हम ड्राई फ्रूट्स भी ऐड करेंगे। ड्राई फ्रूट्स में हम लेंगे बादाम, पिस्ता, चेरी, किशमिश, काजू। इसमें आप और ड्राई फ्रूट्स ऐड करना चाहते हैं तो भी ऐड कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रूट अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे 1 आवर तक। इसके बाद हम इसको सर्व कर लेंगे, या तो आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं। तो ये लीजिए, एकदम यम्मी और टेस्टी फ्रूट कस्टर्ड बनकर तैयार है। फ्रूट कस्टर्ड ये बहुत ही टेस्टी है, तो आप भी इसी तरह बहुत ही आसानी से फ्रूट कस्टर्ड बना सकते हैं और बच्चों को दे सकते हैं। ये बच्चों को बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये फ्रूट कस्टर्ड बनाने की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। आप सभी लोगों को हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको खुश रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।